हाय गाइस, तो कैसे हो आप लोग? इट्स बीन ए लॉन्ग टाइम सिंस माय लास्ट वीडियो. आई होप कि आप लोग सेफ हो, हेल्दी हो एंड सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हो. ये वीडियो मेरे एडवांस माउंटेनियरिंग कोर्स का है जो मैंने मई 2019 में किया था. आई हैव बीन ट्राइंग टू मेक दिस वीडियो फॉर अ लॉन्ग टाइम, पर टाइम ही नहीं मिल रहा था. सो फाइनली व्हेन आई स्टार्टेड गोइंग थ्रू ऑल द फुटेज, इट वाज लाइक ए वॉक डाउन द मेमोरी लेन. आई रीलिव्ड दोज 28 डेज ऑल ओवर अगेन. वो 28 दिन हमको सालों याद रहेंगे. सो दिस वीडियो इज माई एफर्ट टू शो यू द ट्रेनिंग एंड द इंटेंसिटी ऑफ ट्रेनिंग दैट वी रिसीव्ड इन दोज 28 डेज इन अराउंड 28 मिनट्स. आई होप कि यू लाइक द वीडियो एंड कमेंट करना ना मत भूलना. हम लोगों ने एडवांस माउंटेनियरिंग कोर्स नीम उत्तरकाशी से किया था. नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग इज वन ऑफ द बेस्ट माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट्स इन इंडिया. सुबह 6 बजे फॉलिंग होता था. हम जैसे तैसे उठकर पहुंच जाते थे, देन चालू होता था रगड़ा. रनिंग, पुशअप, क्रंचेस ये तो नॉर्मल है. बाकी बहुत सारी अनोखी एक्सरसाइजेस थे जो रात में हमको रियलाइज करवाते थे कि अरे यार वहाँ भी मसल्स हैं. देन ब्रेकफास्ट ब्रेक के बाद होते थे क्लासेस, नॉट प्रैक्टिस, एक्सपेडिशन प्लानिंग, फर्स्ट एड, जीपीएस, मैप रीडिंग. स्कूल चले हम. लंच ब्रेक के बाद और क्लासेस. फोर्थ डे से रॉक क्लाइंबिंग ट्रेनिंग स्टार्ट होता है, जिसके लिए हमको ट्रेक करके थेकला जाना पड़ता था. सॉरी, ट्रेक नहीं, रन, वो भी पूरे गियर के साथ. थेकला जो नीम का रॉक क्लाइंबिंग ट्रेनिंग एरिया है, ऑलमोस्ट 9 किलोमीटर दूर है नीम सेंटर से. पहुंचने के बाद 2 मिनट सांस लिया कि नहीं, कूल डाउन के नाम पे हो जाते थे और एक्सरसाइजेस. ये खत्म होते होते इतनी भूख लगती थी कि पेट कुरकुर करना चालू हो जाता था. दिन सब लाइन पर लग जाते थे ब्रेकफास्ट के लिए. दिन चालू होता था ट्रेनिंग. पहले इंस्ट्रक्शन एंड डेमो होता था, बाद में टीम अलग अलग वॉल पे प्रैक्टिस करती थी. जो लॉन्ग एंकर है उसको क्या करेंगे, ऊपर फ्लिप कर देंगे ऊपर. सेकंड नेक्स्ट 5 दिनों में हमने रॉक क्लाइंबिंग, एंकरिंग, बिलेइंग, रैपलिंग, लॉन्ग पिच रैपलिंग, डायरेक्ट एड क्लाइंबिंग, Zoomering with call to 10 knot and use of reverso and stance management का instruction and demo मिला and हमने practice किया. Move इधर करता हूँ तो क्या हो रहा है, ये दोनों तरफ क्या हो रहा है. ये इस बीच में लंच ब्रेक मिलता था, जब हम लोगों का हाल कुछ ऐसा होता था. देख रहे हो आप, सुबह से बस रगड़ा रगड़ा रगड़ा, बस जितना रगड़ा उतना तगड़ा. इनका तो यही मोटो है. बस हम रगड़े जा रहे हैं. बस देख रहे हो हालत, पैर सूज गए, हाथ फूल गए, क्या क्या नहीं हो रहा है. और भाई लोगों को देखो, सब लाशें बनी पड़ी हैं. देखो, एक भी चिंता नहीं है उनमें से. सबको जुराब सुहा के उठाना पड़ेगा. लंच ब्रेक के बाद होती थी और इंस्ट्रक्शंस एंड प्रैक्टिस. जुमार का जो मेनली जो यूज है उसका, वो कहाँ है, फिक्स रूम में. हमारे पास जो इक्विपमेंट है मैं आपको बताऊंगा 1 by 1, और जो मेथड है, जो तरीका है, वो मैं आपको दिखाऊंगा प्रॉपर. उसके साथ साथ आपका डेमो चलते रहेगा. चलो सुन करो पहले. तैयारी आपको पता चल गया ना, शॉर्ट एंकर लॉन्ग एंकर आपने बना लिया है. शॉर्ट एंकर का मतलब ही ये है कि आप, अगर मैं इसको और थोड़ा लंबा बनाता तो मेरे बॉडी क्या होता, और बाहर जाता. इसको बोलते हैं रिवर्सो. क्या बोलते हैं, रिवर्सो. ये एक ऐसा बिले डिवाइस है जो एक टाइम पे दो क्लाइंबर को क्या कर सकता है, बिले कर सकता है. फिर टी ब्रेक मिलता था, जिसमें इस तरह से कुछ होते थे चाय पे चर्चे. मेरा वो चाहिए. नहीं, पीटी कैसी थी आपकी? पीटी में कैसा फील किया? तो ऐसा था आपकी, लगभग अच्छी पीटी थी. थोड़ा इसमें और
इजाफा होना चाहिए ताकि लड़के और स्ट्रांग बने मेरे हिसाब से, वेट डबल हो, थोड़ा ताकत होनी चाहिए लड़कों में इनको, अच्छा होना, मुझे लगा जहाँ वेट कम है हो रहा थोड़ा सा जाते जाते और रनिंग भी थोड़ा स्लो हो रही है, तो रनिंग अगर थोड़ा और बढ़ा लेते थे तो इसको अच्छा लड़के स्ट्रेंथ होते यहाँ पे, तो आपको क्या लगता है कि वेट ज्यादा है ज्यादा? नहीं वेट कम है, सही बोल रहा है, जाते जाते हम पॉइंट देख जाएंगे ताकि नेक्स्ट कोर्स और भी हमारे से स्ट्रांग ज्यादा बने, है ना, और रन थोड़ा सा ज्यादा होना चाहिए क्योंकि 15 किलोमीटर से कम क्या है। बिल्कुल, एक बार पहले वहां से मातली ले जाओ, फिर यहां से टेकला लाना चाहिए, तो वेट अगर थोड़ा ज्यादा हो तो पत्थर रख दो, मतलब ये दर्द वो दर्द कौन कौन से दर्द, रात को तो बेड पे पड़ते ही ऐसे पता चलता है सुबह कब होगी, ये सबके साथ हो रहा है, जैसे कि नींद 10 बार खुल रही रात को, तभी तो मैं उनको याद आ रहा कि फोलिन आवाज रात को, तो सही बोल रहा है, कई बार लड़के रात को बाथरूम जा रहे कहीं जा रहा है, वही टेंशन है कि खाने वाली सुबह होने, लड़के 4 बजे ही चले जा रहे बस बस कल का देना यार, उसके बाद तो फिर एंजॉय है, कोई दिक्कत नहीं, फिर तो चलना ही चलना, भागना तो है। फिर और प्रैक्टिस, कैसा था आपका दिन? रेड रूफ यार मस्त था, तो बेसिकली इधर कुछ छीला फिर और लपेटा तो वो निकल गया, फिर और डाला, बट देन इनोवेशन वाज देयर, तो मिटन डाले। अच्छी बात ये थी कि शाम को हमें भागकर वापस जाने के लिए नहीं बोला जाता था, नीम की बस आती थी और हम लोग उसमें फ्लैट हो जाते थे, इस बीच टाइम का पता ही नहीं चलता था, नीम पहुंचकर फ्रेश होते होते भूख लगने लग जाती थी, डिनर होते होते लाइट ऑफ का टाइम हो जाता था, इस बीच में हमने ग्रुप में बर्थडे भी सेलिब्रेट किया एंड कुछ उठपटांग डांस भी किया। लास्ट डे ऑफ रॉक क्लाइंबिंग का ट्रेनिंग शेड्यूल कुछ और था, भाग कर ठेकला पहुंचे, एक्सरसाइज तो था ही, देन हमने टेंट लगाया, उस दिन हमें ठेकला में रहना था बिकॉज नेक्स्ट डे सुबह हमको रिवर बेड पर जाना था फॉर स्ट्रीम क्रॉसिंग का डेमो एंड ट्रेनिंग। उस दिन शाम को हुआ माउंटेन टर्मिनोलॉजी के क्लासेस खुले आसमान के निकल गए, क्लियर हो गया। सुबह हम निकले रिवर बेड की तरफ, आपके जो रोप है रोप निकालो, यहाँ रखो, बम्बू है यहाँ रखो, जब लोग कर रहे थे काम ये खा रहे थे आम, मजाक है सचिन भाई, सीरियसली मत लेना। दिन स्टार्ट हुआ डेमो, माउंटेन स्ट्रीम क्रॉसिंग देखने में बहुत सिंपल लगता है बट अगेंस्ट द ब्रूटल फोर्स ऑफ वाटर एंड ठंडा पानी कोई भी टिक नहीं पाता है। द मैसेज वॉज क्लियर, हमको हर समय स्ट्रीम क्रॉसिंग को कंसिडर करके एक्सपेडिशन प्लान करना चाहिए। सालों से नहीं नहाए हुए लोग आज यहीं पर नहा लिए, ये ट्रेनिंग बहुत जरूरी एंड मजेदार भी है। वहां से निकलकर हम फिर पहुंचे ठेकला, ठेकला को बाय बाय जो बोलना था, ये हमारा लास्ट दिन था ठेकला में। नेक्स्ट डे से हमारा प्रैक्टिस था ऑन द आर्टिफिशियल वॉल स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग का, ओए
एंड ब्रीफिंग भी हुआ क्योंकि हम लोग कल सुबह बेस कैंप के लिए निकल रहे थे। सुबह ब्रेकफास्ट के बाद सब अपने अपने गियर के साथ रेडी थे। बेस कैंप का रोड हेड है बुक्की। बुक्की टूवर्ड्स गंगोत्री के रास्ते में आता है जहाँ तक हम बस में जा रहे थे। बस पर बैकपैक लोड करने के बाद ब्रीफिंग हुआ, दिन हम निकले बुक्की की तरफ। नीम से बुक्की करीबन 2 घंटा लगता है। हम बुक्की पे रोड हेड पे आ गए हैं। अभी हमारा अप्रोच मार्स उस तरफ जाएंगे हम टेल कैंप के लिए, जहाँ पे हमारा बुरी तरह तेल निकलने वाला है। ये ट्रेल ग्रेजुअल क्लाइंब है। टेल कैंप पहुंचने के बाद हमारा दिन खत्म नहीं हुआ था। लंच ब्रेक के बाद हमने नॉट प्रैक्टिस एंड जुमारिंग विद बॉलूटेन नॉट प्रैक्टिस किया, वो भी अखरोट के पेड़ पर, एंड वॉलीबॉल भी खेला। देन आवाज आई, सूप ले लो। रात का आप लोग को तो पता ही है, ओले गिरे, फॉलिन भी साला ओले के टाइम पे हो गई। सर ने भी एकदम खड़ा करा दिया, इतने मोटे मोटे ओले पड़ रहे थे, कोई सर पे कोई कान पे, क्या बताएं भाई, माउंटेनियरिंग आसान तो है नहीं। नेक्स्ट डे सुबह हमें निकलना था टुवर्ड्स गुज्जरहट, पहले कुछ पेट पूजा हो जाए। ब्रेकफास्ट के साथ पैक्ड लंच भी मिल रहा था क्योंकि टेल कैंप से गुज्जरहट करीबन 6 घंटा का ट्रैक था। टेल कैंप से गुज्जरहट तेल निकलने वाला ट्रैक है। ट्रेल कुछ ऐसा था, हम क्लाइंब करते थे, 10 फीट डिसेंड करते थे टू द माउंटेन स्ट्रीम, स्ट्रीम क्रॉस करो, देन अगेन क्लाइंब डिसेंट एंड क्रॉस। ऐसे करते करते वाट लग गई थी, बट ये एक बहुत सुंदर ट्रेल है। घना जंगल, बहते झरने एंड बेहतरीन मौसम। आगे ट्रेल में हमको स्नो मिला, दैट मींस हम बेस कैंप के करीब पहुंच रहे थे। एंड एट लास्ट पहुंच गए गुज्जरहट। ये ट्रेक के बाद हमारा कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ गया था। सो हाउ वाज द ट्रेक? डूड, इट वाज एक्सीलेंट। सो it made me realize like, there are moments when you dig really deep and you can pull out more than you thought you could. So while walking today, bahut waat lagne wala walk tha. Say I have the mental ability now, I know I can make breakthroughs. And bro, physically I'm like killing it, I'm hard in all the right places because of a mountain fucking man. Hamara din khatam nahi hua tha. Awaaz aayi falling. Acclimatization walk ke liye Khetal chalna tha. चोरों की धार बोलते हैं, चोरा हमारा क्या होता है ना, चोरा तो चाय वाय में डालते हैं हम लोग, दाल में डालते हैं, जबरदस्त टेस्ट आती है, टेस्ट भी बढ़ता है, प्लस गर्मी भी होती है उसमें। तो अभी आप लोग जैसे देख रहे हो, हम लोग खेड़ा ताल आ रखे हैं। तो इसके बारे में ये कहा जाता है, यहाँ पे गाँव वाले अपनी पूजा वगैरह करने आते हैं, तो ये होली प्लेस है। तो आप इसमें देख सकते हो, एक पत्ता भी आपको दिखेगा नहीं इस पानी में। तो ये माना ही जाता है कि जैसे इसमें पत्ता कोई भी आता है तो बर्ड आके इसको क्लियर कर देती है, खुद ही उठा देती है, और कई लोगों ने देखा भी है इसको। तो यहाँ पे गांव वाले, एक बगल ये हुर्री गांव है, यहाँ से लोग पूजा करने आते हैं, बुक्की गाँव के भी यहाँ पे पूजा करने आते हैं। तो इसका डेप्थ बहुत गहरा ही है, आप इसको क्लोज अंडर एस्टिमेट मत करना, कि ये लगता ऐसा है कि ऊपर से दिखता वो है, ऐसा दिख रहा है कि मतलब गहरा नहीं होगा, बट है बहुत गहरा। यहाँ पर हमने खूब सारे ग्रुप फोटोज लिए। ये मीडोज स्प्रिंग में मस्त हरी भरी होगी। नेक्स्ट डे सुबह हम निकले बेस कैंप की तरफ। गुज्जरहट से बेस कैंप करीबन 2 घंटे का ट्रेक था। अब यहां से ट्री लाइन खत्म होता है। नीम का बेस कैंप एक परमानेंट सेटअप है, यहां पर बहुत सारी फैसिलिटीज है। पहुंचने के बाद हमने रोप वाइज अपना टेंट पिच किया।
बैकपैक रखा ही था, आवाज आई, गियर अप हो जाओ, स्नो क्राफ्ट के लिए स्लोप की तरफ चलना है। ये क्या है? रेडमैन। सभी को बताए कैसे लगता है? 45 फीट एंगल में सेम इंस्पेक्टर से, समझे? इसके बाद ये रेड बॉय, ये भी सेम इंस्पेक्टर से लिखता है। उसके बाद हमने और क्या क्या तरीका हो सकता है? उस दिन हम लोग लंच ब्रेक के बाद गुजरहट आए थे फॉर लोड फेयरिंग। नीम बेस कैंप एक अलग ही दुनिया है। हर साल कुछ दिनों के लिए यहाँ गांव बसता था। ये जो माछा की दार, ये जो रिज दिखाई दे रहा, ये माछा की दार है। इसी पे हमारे को लास्ट मंथ जब हमने बेस क्लियर किया था तो यहाँ पे हम आए थे हाइट गेन करने के लिए। इसके बीच में ना जैसे गली टाइप है, ऐसे पूरा ऐसे स्नो थी, तो हम पूरा ऊपर से ना ऐसे ग्लेस राइडिंग करके आए थे। इतना मजा आया ना कसम से, जस्ट स्पीड से आ रहे थे। अभी कुछ हो या ना हो, हम तो पोर्टर बन सकते हैं, सर्टिफाइड फ्रॉम निम। कैसा लग रहा है? बिल्कुल फीलिंग वेरी गुड, फीलिंग गुड। जोश इज लो बट वेट इज हाई। तो बस कुछ हो या ना हो, यू कैन बिकम अ बीटा माउंटेनियर, बट यू कैन बिकम एन अल्फा पोर्टर, हाई एल्टीट्यूड अल्फा पोर्टर, वो तो गारंटीड है। अभी ये जो टेंट देख रहे हो, ये वाली टॉयलेट टेंट्स है, टॉयलेट टेंट्स विद अमेजिंग व्यू। नेक्स्ट डे सुबह हमने लोड फेरी किया टू एडवांस बेस कैंप एट 13,500 फीट। हैमर का बंच बनाएंगे, इसके अंदर जो भी आपका सामान है तरतीब वाइज ऊपर की साइड पे आईसेक्स का बंच और अपने रोप इंडिविजुअल अपना सामान। शाम का माहौल कुछ ऐसा था। बीसी में गए थे लोड फेरी के लिए और हैवी वेट, अपना हैवी लोड हमने वही छोड़ दिया आज अपना। कल दोबारा जाना, वैसे लोड तो है कल के लिए भी। दिखाई दे रहा है एक तो फर्स्ट वाला की जो बड़े वाला मोरेना जिसकी शेप आपको वेल की तरह दिखाई दे रही है, ऐसे उठा हुआ भाग, तो उसके जस्ट आगे की तरफ है, वहाँ से लगभग 10 मिनट का रास्ता होगा। लेकिन यहाँ से देखने में तो ये कम लगता है, लेकिन अप्रोक्सीमेटली 3 घंटे का रहना यहाँ से पैदल। आज के हलवे के ऊपर आपकी कोई टिप्पणी? हाँ, आज तक का सबसे प्लस पॉइंट हलवा ही था। पूरी थकान उसने हमारी ना रिलैक्स कर दिया, जैसे हलवा अंदर गया तो काफ़ी फीलिंग एनर्जेटिक किया हमने, फील को अपने को बोलते हैं एनर्जेटिक फील कर रहे थे। काफ़ी बढ़िया लगा, बहुत बढ़िया। और उसके बाद चाय भी थी, अच्छी बनाई थी आज हलवे ने, खुश्की दूर कर दी, खुश्की दूर कर दी अंदर की, जितनी ड्राइनेस था ना पूरा, एंड बिल्कुल बढ़िया कर दिया। नेक्स्ट डे हम अपने बोरिया बिस्तर के साथ निकले टू एस्टैब्लिश एडवांस बेस कैंप। भाई मैं सुई धागा लेके चला हूँ, जिसकी फटी है वो ले ले, आगे की बात आप अपने आप समझ जाइए। सुई धागा मेरे पास डबल है। यहाँ तक इस लाइन तक पूरा दबा के ऐसे बीट करना है, ठीक है ना? और उठा के, पांव उठा के, 1 2 1 2 1 तो इससे इधर नहीं, एक नंबर के लिए आप इधर आ सकते हैं, लेकिन उसके लिए आप प्रॉपर क्या बनाएंगे, एक गड्ढा बनाएंगे, दिखना नहीं चाहिए, पता चल रहा है तुमने वहां रंग बिरंगे वो लगता है जैसा एक गांव बसा है, टॉप ऑफ द वर्ल्ड वाली फीलिंग आ रही थी। नेक्स्ट 4 दिनों के लिए ये हमारा घर है। इस सेटअप का एक बड़ा थैंक यू जाता है टू द सपोर्ट स्टाफ, कुक, उनके हेल्पर एंड पोर्टर। हम अभी इसके बाद जो भी करने वाले हैं उनके सपोर्ट के बिना
होता ही नहीं था। उस दिन लंच ब्रेक के बाद हुआ था सेल्फ अरेस्ट का ट्रेनिंग। यहाँ की शाम तो मैजिकल थी। इमेजिन आप चाय लेके एक्सपीरियंस का मजा ले रहे हो, देन याद आया अरे यार कप कैसे धोएंगे, पानी बहुत ठंडा है। हेलो, गुड इवनिंग एवरीबॉडी। आज हम एडवांस बेस कैंप में पहुंच चुके हैं, जिसकी हाइट अप्रोक्सीमेटली 4200 मीटर है। यहां पे आप मेरे पीछे देख रहे हैं ब्यूटीफुल पीक जॉनली, जो कि अभी क्लाउड की वजह से दिखाई नहीं दे रही। बाकी आप इलाका देख रहे हैं कैसे पूरा वाइट चादर से ढका हुआ है। नेक्स्ट डे हम चल पड़े ग्लेशियर की तरफ आइस क्रैप ट्रेनिंग के लिए। ट्रेनिंग एरिया पर पहुंचने के बाद सब अपने आइस एक्स से खड्डा बनाते थे ताकि स्लोप पर बैग रख सके एंड बैठ पाए। देन स्टार्ट हुआ ट्रेनिंग, पहले डेमो एंड इंस्ट्रक्शंस, देन प्रैक्टिस। ये वाला जो एरिया है इधर आगे देखना, पूरा क्रेवस है, ये क्रेवस प्रोन एरिया है। इधर सोने की चीज़ है, 2 पॉइंट, ठीक है ना, 2 पॉइंट क्लाइंबिंग मींस। अब आपके पास आइस एक्स, अगर आपके पास है आप आइस एक्स का सपोर्ट ले रहे हो, इनके ऐसा आइस एक्स निकल गया तो आप फ्रंट पॉइंट पे उतना नहीं होता जितना आप अपने आइस एक्स पे होते ऐसे स्लोप की तरफ हो ना। जब ग्रेडियंट बढ़ेगा, इंक्रीज होगा एंगल, तो कहीं ना कहीं आपको अपने फ्रंट पॉइंट पे क्या होना पड़ेगा, खड़ा होना पड़ेगा। तो वो था बेसिक, आज हो गया है आपका एडवांस, आइस क्लाइंबिंग स्टार्ट हो गया। लेकिन इसमें टाइम ज़्यादा लगेगा, ठीक है, टाइम भी ज़्यादा लगेगा और ताकत भी, एफर्ट भी ज़्यादा लगेगा। यहाँ पर अच्छे स्लोप्स थे स्कीइंग के लिए। ये हमारे सौरभ सर हैं स्कीइंग करते हुए। ये मौसम खराब होने के पहले हमें मिलने वाला अच्छे सनसेट्स में से एक था। मौसम खराब हो या अच्छा, माउंटेनियरिंग की ट्रेनिंग कभी बंद नहीं होती है। नेक्स्ट 2 दिन काफी स्नोफॉल हुआ, हमें हर कुछ घंटों में बाहर आके स्नो साफ करना पड़ता था, नहीं तो स्नो के वेट के वजह से टेंट गिरने का चांस था। खुजली होती है? नहीं नहीं, ये तो अभी कुछ भी नहीं, मैं तो महीना महीना नहीं नहाता, पर अभी तो नो प्रॉब्लम। कॉस्मेटिक इंडस्ट्री फ्रॉड है, हार्डकोर मैन को कुछ फर्क नहीं पड़ता। नहीं पड़ता, नहीं पड़ता। वी आर एडवांस बेस कैंप में है और यहाँ कंटिन्यूज 2 दिन हो गए हैं स्नोफॉल चल रहा है। Hi! और अभी नेक्स्ट डे हमारी कैंप 1 में हमने जाना है और उसके बाद भगवान की कृपा और आपका आशीर्वाद रहा तो सबमिट भी करके आएंगे। लेकिन जैसा मौसम है ऐसा लग नहीं रहा कि शायद किस्मत साथ है, लेकिन फिर भी नामुमकिन को मुमकिन करना ही हमारी फितरत है। देखते हैं क्या होता है, अगर कल थोड़ा सा भी मौसम खुल गया तो हम क्या है पक्का सबमिट करेंगे और जिस काम के लिए आए हैं वो हम पक्का करेंगे और एक बार तिरंगा DKD2 के ऊपर पक्का लहराएंगे। हम लोग चल रहे हैं टूवर्ड्स कैंप 1। आज हम लोड फेरी कर रहे हैं टू कैंप 1। वहाँ हम एक टेंट लगाकर
कुछ सामान छोड़ रहे हैं। लोड फेरी के बहाने अपना अच्छा एक्लेमेडेशन हो जाता था। कैंप सेटअप का एक एसेंशियल इक्विपमेंट है पानी, जिसके लिए हम बारी बारी से खोद रहे थे ये खड्डा। आफ्टर ऑलमोस्ट 60 फीट खोदने के बाद मिला पानी। पानी की खोज किस साइट पे? 5000 मीटर की हाइट पे पानी की खोज, कैंप 1 डीकेडी 2। ये खोदा है कुआ। चल आ जा, बस वेरी गुड भाई। छोड़ दे दो साहब, सामान जमा करो, उधर जाओ। पहला बोतल पानी का। इसके बाद हम चल पड़े एबीसी की तरफ। कल हम फिर यहाँ आ रहे हैं। हम निकल रहे हैं टू एस्टैब्लिश कैंप। जितनी बार एडवांस बोल रहे हैं इधर पैसे डाल दिए थे, अभी हम निकाल रहे हैं कि बर्फ़ बहुत गहरी है, इसलिए बहुत डेप्थ में होंगे वो। उस दिन दोपहर की धूप बहुत शानदार थी, सब बाहर मैट लगा कर बैठ गए थे। ये तो आप जानते हो, बेसिक सेटअप है। कल रात बहुत स्नोफॉल हुआ, आज रात को हम निकल रहे हैं फॉर डीकेडी 2 समिट अटेम्प्ट। आज 14 मई 2019। बहुत ठंडी थी, GoPro बार बार बंद हो रहा था। वह आगे चलो। ओ हाय, क्या बात है? हाँ जी, हाँ जी, काल दाढ़ी पान जो पूरी होगी पता लगना चाहिए फोटो वीडियो। हेलो गाइस, जैसा कि हमने दो दिन पहले कहा था कि इट्स आवर नेचर टू मेक इम्पॉसिबल टू पॉसिबल, नामुमकिन को मुमकिन करना ही हमारी कुदरत है। आप देख रहे हैं चारों तरफ वाइट आउट है और ग्लेशियर और करवास एरिया बिल्कुल। आज हम डीकेडी 2 द्रौपदी का डांडा 2 को सबमिट करके आए हैं। अफसोस बस इस बात का है कि वाइट आउट होने के कारण क्या हम दिखाई नहीं दे रहा, और आप भी देख रहे होंगे कैसे स्नो का तूफान चला हुआ है, बवंडर सा। सभी लोगों की मेहनत और ये है अपने उस बंदों का इंटरेस्ट से इंडिया लिमिटेड डीकेडी 2 को सबमिट किया है। फोटो खींचने वाले आगे चले, चलो ये करवा दे पूरा एरिया। चल हम लोग डिसेंड कर रहे हैं, विजिबिलिटी कुछ फीट की है एंड हम लोग थक गए हैं। बार बार मैं खुद को बोल रहा था स्टे फोकस स्टे फोकस। उस दिन बहुत स्नोफॉल हुआ एंड टेम्परेचर भी बहुत नीचे चला गया। कैंप 1 डीकेडी की बेस कैंप है ये, यहाँ से सीधा सबमिट होता है और यहाँ पे आज सेल्फ कुकिंग क्लासेस आप देख ही रहे होंगे जैसा कि चालू है, अपना खाना खुद पकाओ। तो कल हमारा सबमिट हो चुका है, हम आभारी हैं भगवान जी के, और अभी खाने के बाद हम निकल रहे हैं नीचे एबीसी के लिए। ये मैगी खाएंगे 15600 फीट पे। फिर हमने कैंपसाइट पैकअप किया एंड ग्रुप फोटो लिया बिफोर लीविंग कैंप 1। भारत माता की जय, भारत माता की जय। 37 38 39
हम एडवांस बेस कैंप पर नहीं रुक रहे थे, हमारा नेक्स्ट स्टॉप था बेस कैंप। उस दिन हम लोग बेस कैंप में रुके थे। नेक्स्ट डे सुबह हम निकले टूवर्ड्स रोड हेड ओके।